हाय फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा भारत रसोई चैनल में अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने दर्शकों के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। का नाम है कैता, और ये खाए हैं कि नहीं खाए हैं फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसे इंग्लिश में स्नैक गार्ड भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो कैता का भरवा बनाने के लिए हम लोग रेडी हैं, तो आप सब वीडियो में एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो कृपया कर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैता को छील लेंगे फ्रेंड्स। हम लोग अपना भाषा में इसे कैता ही कहते हैं। इस तरह से छील लें एक चाकू के सहारे से फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स कैता का ऊपर का परत जो है इसको छील लें, और इसे पीस पीस काटना है। जैसे हम लोग भरवा के लिए करेला या परवल का पीस बनाते हैं ना फ्रेंड्स, उसी तरह से काटना है। इस तरह से काट चुकी हूँ फ्रेंड्स कैता को। और इसका जो ये बीज है, बीज को आप एक चम्मच के सहारे से निकाल लें। और ये बीज देखिए कितना आराम से निकल जा रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारा बीज निकाल चुकी हूँ, एक ट्रे में रख ली हूँ बीज को। अब कढ़ाई में फ्रेंड्स 2 गिलास पानी डाल दिए हैं, और इसे हाफ बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। और कैता को हम जब इसका परत छिल रहे थे फ्रेंड्स, उसी समय हम धो लिए थे, तो धोने का अब ज़रूरत नहीं है। इसमें हल्का सा नमक डालकर और हाफ बॉईल कर लीजिए। तो ढक दे रहे हैं। तो भरवा बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग जो मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जान लेते हैं क्या क्या मसाला है। 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच काली मिर्च और 2 हरी मिर्च। तो इसे एक मिक्सी के जार में ले लेंगे। मसाले में ये लहसुन है, 15 से 20 कली लहसुन है, थोड़ी सी अदरक है, और ये प्याज है एक बारीक कटा हुआ, और ये कैता वाला बीज है फ्रेंड्स। ये सारे मसाले को हम लोग महीन पेस्ट बना लेंगे। मसाला का पेस्ट बना चुकी हूँ फ्रेंड्स। इसमें मैं कैता का बीज भी पीस ली हूँ। तो हाफ बॉयल कर लिए फ्रेंड्स, ये 3 मिनट लग चुका है हाफ बॉयल होने में। सभी को एक प्लेट में निकाल चुकी हूँ। आइए अब इसका मसाला तैयार करते हैं हम लोग। तो कैता का भरवा बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग एक कढ़ाई चढ़ा लिए हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे फ्रेंड्स। तेल गर्म होने के बाद हींग डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसमें बारीक कटा हुआ 1 प्याज डाल देंगे, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिए हैं। अब इसमें मसाला डाल देंगे, ये जो पेस्ट बना के रखे थे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आवश्यकता अनुसार नमक। अब सारे मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। चलिए मैं मसाले को भून कर दिखाती हूँ। मसाला को अच्छे तरीके से भून चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास फ्रेंड्स 6 कैता है। मसाले को 6 पार्ट में बांट चुकी हूँ। अब ये इस मसाले को कैता में फिल करूँगी। तो इस तरह से फिल कर लें। इसी तरह से सारे कैता में फिल कर देंगे। मैं सारे कैता में मसाला भर चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब ईंधन पर एक कढ़ाई चढ़ाकर इसमें सरसों तेल डाल देंगे गर्म होने के लिए। तेल गर्म होने के बाद भरवा को डाल देंगे, और उलट पुलट कर अच्छे तरीके से सेक लेंगे चारों तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब एक तरफ पकने दे रहे हैं, उसके बाद एक तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पक जाएगा, तब पलटेंगे इसे। तो चलिए हम लोग पका ले रहे हैं पहले। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सभी कैता का भरवा को फ्राई कर चुकी हूँ, और ये बहुत अच्छे तरीके से हुआ है फ्रेंड्स। और तेल बहुत कम लगा है फ्राई करने में। देखिए मैं थोड़ा सा तेल डाली थी, और कितना तेल बच भी गया है। इसी तरह से चारों तरफ से सेक लेना है। और ये देखिए मस्त कैता का भरवा बनकर तैयार है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। और ये वेजिटेबल्स फ्रेंड्स
हर समय में नहीं मिलता है, ये सीजनल वेजिटेबल्स है, इसलिए इस तरह की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर बना के खाइए। और आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को बाय, नमस्कार।